वीडियोस वगैरह बनाना अलाउड नहीं है और नीचे नीचे जो है आते आते जो है कांड हो गया। आज की जो डेट है वो है 28 सितंबर जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, एंड अभी जो टाइम हो रहा है 2:40। सो अब जो है मैं जा कर के पूरी तरीके से रेडी हो पाया हूँ, वीडियोस वगैरह अपलोड वगैरह करके फ्री हो करके अब मैं नहा धो करके आया हूँ। एंड अभी मेरे को जाना है मंदिर, आज फिर मंदिर जाना है आपको, पूरी नवरात्रि में जो है मंदिर के ही दर्शन होंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपका भाई जो है आपको सब करा देगा जो जा नहीं सकते, एंड जो चले जाएँ उनके लिए कोई बात ही नहीं है। तो आज देख रहा हूँ मैं कौन सा मंदिर जाता हूँ, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कौन सा मंदिर जाना है, बट लेकिन हाँ जो भी मंदिर जाएंगे वो आपको बताएंगे इस ब्लॉग में, देखते रहिएगा। आपका भाई हो गया है रेडी निकलने के लिए यहाँ से, और अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले जो है बर्रा वाले जो नहीं है वैष्णो देवी का मंदिर एक बना हुआ है वहाँ पे मैं आज जा रहा हूँ। तो गाइस अभी जो है घर से सीधे निकल रहे हैं एंड आपको सीधे जो है मिलते हैं सीधे मंदिर के बाहर। अभी जो है जा रहे थे मंदिर, और मंदिर जाते जाते जो है फिर मेरी ये गाड़ी जो है हो गई है ख़राब। अब हम बताओ इससे हो गए बहुत ज़्यादा परेशान, अब हमें लग रहा है इस गाड़ी को हटाना ही पड़ेगा। अभी जो है पापा का वेट कर रहे हैं, पापा जो है वो जिनके हाथ मैंने स्कूटी जो है सर्विस कराई थी उनको जो है लड़के को लेकर के आ रहे हैं। वो देखो सामने जो है पापा आ गए लड़के को लेकर के। देखो लड़का आ गया है लेकर के, देखते हैं फिर क्या होता है। भाई जो अभी आ गया है एंड अभी वो जो देख करके बताता है कि क्या दिक्कत हो गई है, जो बार बार जो है गाड़ी में दिक्कत हो रही समझ में नहीं आ रहा। पापा भी देखो परेशान हो गए काम का, पता चल रहा है कि गाड़ी का जो है प्लग खराब हो गया है, निकलवा रहा है भैया निकाल रहा है, देख रहे हैं क्या करना है। गाड़ी जो हो गई थी खराब एंड भाई लोग जो है मिल गए मेरे को कि कह रहे थे कि भाई ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करते हो क्या भाई, हाय बोल दो, क्या नाम है यशोदा नगर रहते भाई, बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों से मिल करके। तो अभी जो है गाड़ी का जो है प्लग खराब हो गया है, इससे पहले भी जो है हुआ था तो उस टाइम पे जो है प्लग खराब हुआ था, तो देखते हैं क्या दिक्कत हो गया। प्लग तो फाइनली जो पता चल गया खराब हो गया, लेकिन अभी मंदिर होकर के जाएंगे उसको दिखाएंगे कि आखिर ये प्लग खराब क्यों हो रहा है बार बार। अभी जो है गाइस मैं आ गया हूँ खजूर स्टोर के बाहर, और यहाँ पे थी ब्लॉगर की एंड सबसे पहले एक्चुअली मैं ही पहुँच गया था यहाँ पे, और वसुधा को मैंने जो है कॉल किया था, वसुधा जो है अभी जस्ट आधे घंटे के अप्रॉक्स आ रही है, मतलब मार्केट चलो वो 6 बजे तक आ जाएगी, लेकिन मैं जो है सबसे पहले यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो है खजूर के बगल में एक भैया की दुकान थी, और उनके यहाँ गाइस जैसे कि देख सकते हो कि बाल वाल जो है मैंने एकदम सेट कर लिए, एंड अभी थोड़ी देर में जो है सारे फूड ब्लॉगर्स वगैरह जो है आने वाले हैं। ये रहा सामने खजूर स्टोर, यार शाम की लाइटिंग हुई है ना यार, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, छोटा सा है बट लेकिन प्यारा सा है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो कि कितना प्यारा इंटीरियर भैया ने जो बना रखा हुआ है, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे देखो खजूर की वैराइटीज है, तो गाइस अभी जो है हम आए हुए थे खजूर स्टोर पे, एंड खजूर स्टोर पे चल रही है यहाँ पे फूड ब्लॉगर मीट, जैसे कि देख सकते हो मेरे पीछे जो है सारे फूड ब्लॉगर जो है खड़े हुए हैं, एंड वो लोग जो है अपना जो है फोटो वोटो जो है क्लिक करा रहे हैं, एंड मैं भी जो हूँ चेक ट्राई कर रहा हूँ। क्या चाह देता हूँ इसमें जो वो खजूर पड़ा हुआ है एंड यार इसका टेस्ट असल में बहुत अच्छा है। मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर कोई काका भैया क्यों काका दे मैं ना ये दामोदर नगर गीता नगर, अगर गाइस अगर कोई गीता नगर आ रहा है तो एक बार ये खजूर वाला जो नहीं है ये शेक ट्राई करना है यार, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, जा करके कमेंट में ये मत बोलने लग रहा है कि यार तुम जो है दुकान का प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोशन नहीं है, इसका टेस्ट है अच्छा। सो अभी यहाँ पे ब्लॉगर मीट खत्म होती है, उसके बाद फिर निकलते हैं घर की ओर। तो अभी जो है मैं आपको जो है खजूर स्टोर के जो है ओनर से मिलाता हूँ, एंड ओनर भैया जो है आ गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया अपना जो है नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम तंजीम है। मोहम्मद तंजीम भैया। तो भैया आपका ये जो है मतलब खजूर स्टोर खोलने का मतलब कहाँ से था अचानक से, मतलब आपके माइंड में आ गया कि ये खजूर स्टोर खोलेंगे? माइंड में बहुत पहले से था एक्चुअली, हमारा खजूर का बिजनेस पहले से चलता था। तो और ये सारे के सारे जो भी आप खजूर मेरे देखोगे यहाँ पे, जो आपने शायद छूट भी किया है, तो ये हमारे सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे खुद के जो हैं ऑर्चिड्स हैं सऊदी अरेबिया में, हम वहाँ से ही मंगाते हैं, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, नो एडेड शुगर, सारी चीज़ें आपको जो है 100% नेचुरल मिलेंगी। तो हमने सोचा जब ये सारी चीज़ें हैं और पोस्ट कोविड वॉर के बाद हमने ये देखा कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी हैं, तो मैंने और मेरे छोटे भाई जुबैर ने ये हम लोगों ने काम किया कि एक कैफ़े हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खजूर का काम अपने पास था नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, तो एक कैफ़े ऑन द गो वाला स्टार्ट कर देते हैं जिसमें इन्हीं सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं, जिनमें लोग को थोड़ा टेस्ट आता है और थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसी बहाने उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है और अपना भी काम हो जाता है, उनको अच्छा भी लगता है। तो अगर मतलब आप और ये बता दीजिए कि मतलब लोकेशन क्या है इसके लिए? लोकेशन है गीता नगर, और अगर आप लैंडमार्क ढूंढना चाहते हैं तो हरी गर्ल्स हॉस्टल, जैसे गीता नगर क्रॉसिंग से अंदर आते हैं तो हरी गर्ल्स हॉस्टल पड़ता है, हरी गर्ल्स हॉस्टल से
जैसे ही आप कुलवंती के लिए मुड़ेंगे बस अपने पास सामने आ जाएगा खजूर स्टोर। सो मैंने जो है आपके जो है भैया से बात करा दी है एंड अभी जो है थोड़ा सा और जो है ब्लॉगर्स के लिए जो है मतलब प्रिपेयरिंग हो रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी जो है उसका भी जो है इन्जॉयमेंट करते हैं, देन उसके बाद जो है ये ब्लॉग जो है खत्म करते हैं। सो गाइज अभी जो है आपका भाई जो है घर आ गया है एंड टाइम हो रहा है 12:30 के अप्रॉक्स। थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, पापा साथ गया हुआ था थोड़ा सा दुकान का सामान वामान लेने, और अभी बैठ करके मैं वीडियो एडिट करूँगा, उसको अपलोड करूँगा, देन ये जो वाला जो है ब्लॉग आपको जो है 10:00 एंड मंदिर वाला ब्लॉग जो आपको 5:00 मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल आईफोन लड़का 360 इसी तरीके की नई नई अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए आपका भाई ये अलविदा लेता है और 19,000 हो गए गाइज, 19,000। थैंक यू सो मच अंकल जी, आज जो दिन मिल गया मैं सचता अगर आप नहीं होते ना मेरे नहीं होते सच में कसम से। तब तक के लिए गाइस टाटा टेक केयर गुड बाय मेरे दोस्तों, अरे दोस्तों बाय।